नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए आपको दिखाते हैं दिन के इस पहले बुलेटिन में एक खास खबर। छतरपुर ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड की मिट्टी की खुशबू व सांस्कृतिक परंपराओं को आजमाने के लिए और उनके विषयों में जानने के लिए भोपाल के मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के कुछ युवक जो कि छात्र हैं और अपने नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से पूरे भोपाल ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश में जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल से आए हुए इन कलाकारों के द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां भी छतरपुर शहर के गांधी आश्रम में दी जा रही हैं। आपको बता दें कि इनके द्वारा यह प्रस्तुतियां 19 नवंबर से शुरुआत की गई है, जिसका प्रारंभ होने के बाद हर शाम रंगीन करने का माहौल भी गांधी आश्रम में देखने को मिलता है, जिसकी तादाद में अगर कहा जाए तो छतरपुर शहर के और वह आसपास के निवासी भी इनका लुत्फ उठाने के लिए वह उत्साह देखते हुए मौजूदा स्थान पर पहुंचते हैं और इनकी कलाकारी को देखते हुए इनके रंगों को उभरते देख हर्षोल्लास के साथ तालियों की गड़गड़ाहट भी साफ तौर पर सुनाई देती है। ये सभी मध्य प्रदेश नाट्य भोपाल से आए हुए कलाकारों के द्वारा बुंदेलखंडी की परंपरा को जागरूक करने के लिए व उनके द्वारा किस प्रकार का रवैया पूरे बुंदेलखंड में होता है, यह एक अपनी थीम्स के माध्यम से रंगारंग प्रस्तुतियां देते हैं। आज के इस पूरे कार्यक्रम में ढमरिया नामक एक संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये नाट्य कलाकार अपनी उभरती हुई बुंदेलखंड की पारंपरिक संस्कृति को लेते हुए नृत्य कर रहे हैं, जिसमें आसपास के लोगों द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए तालियों की गूंज से भी इनका उत्साह बढ़ाते हुए साफ तौर पर नजर आए। और आपको बता दें कि यह लगातार सिलसिला 26 नवंबर तक चलता रहेगा, जिनमें आपको बुंदेलखंड की अलग अलग हिस्सों की जाति प्रजाति व उनके रहन सहन को रंगारंग प्रस्तुति के माध्यम से दर्शाया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर आलोक चटर्जी के साथ माया देवी परमार, मनोज डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट तेजस्विनी, सुमति प्रकाश जैन, दमयंती मुख्य रूप से मौजूद रही, जिनके साथ तमाम छतरपुर के नगर के रहवासी भी मौजूद रहे। अर्जुन के रथ पे बैठे कन्हैया, हाथ लिए बंसी वथा में है ढोल, घोड़ा चले हैं पवन की ओर, घोड़ा चले हैं पवन की ओर, घोड़ा चले हैं पवन की ओर, नैना बंद लागे कही। इस बुलेटिन के लिए बस इतना ही, बने रहें पेप्टिक टाइम के साथ। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार। त्योहारों के सीजन में अपनी खरीदारी को बनाइए और भी अधिक किफायती और उपहारों से भरी हुई। संदेश इन्फोकॉम एवं इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आपके लिए त्योहारों के इस मौसम में उपहारों की सौगात। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदिए और साथ में पाइए 2000 रुपए तक का गिफ्ट स्क्रैच कार्ड। हमारे यहां सभी ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल, डाइकिन एसी, एलईडी फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। सारे आइटम पर पाइए बजाज फाइनेंस एवं एचडीबी फाइनेंस की सुविधा 0% ब्याज पर। तो आसान किस्तों के साथ अपने त्योहार पर कीजिए खरीदारी संदेश इन्फोकॉम पर आकर। संदेश मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, मऊ दरवाजा, चित्रा टॉकीज के पास, छतरपुर। संदेश इन्फोकॉम, रिश्ता विश्वास का। सहयोगी प्रतिष्ठान मारुति कोरियर सर्विस।